नमस्कार, मैं हूं आरती। तमिलनाडु के समुद्र किनारे बसे महाबलीपुरम में एशिया के दो महाबलियों की मुलाकात का असर अब दिखने लगा है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग जब भारत आए तो पीएम मोदी ने उनका ऐसा स्वागत किया कि जिनपिंग अभिभूत हो गए। वो सालों पुराने अपने दोस्त पाकिस्तान को भी भूल गए। भारत यात्रा से पहले चीन ने ये कहा था कि कश्मीर पर वो नजर बनाए हुए है और अब इस मामले का हल संयुक्त राष्ट्र चार्टर के मुताबिक होना चाहिए, लेकिन पीएम मोदी से मुलाकात के बाद वो सब ये बातें भूल गए। जिनपिंग और पीएम मोदी के बीच हुई 6 घंटे की बातचीत का असर ये हुआ कि चीन कश्मीर पर अपने पुराने स्टैंड से एकदम पलट गया। ये खबर पाकिस्तान के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। गुरुवार को चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कश्मीर और भारत को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने अपने पुराने बयान से पलटते हुए कहा कि चीन दोनों देशों के बीच रचनात्मक भूमिका निभाने के लिए तैयार है। वांग यी ने ये बात एक संवाददाता सम्मेलन में कही। उन्होंने कहा कि भारत, पाकिस्तान और दक्षिण एशियाई देशों के साथ चीन के संबंध समानांतर और एक साथ विकसित हो सकते हैं। चीन को पूरी उम्मीद है कि भारत और पाकिस्तान आपसी संबंधों में सुधार करेंगे। पड़ोसी देश होने के नाते ये दोनों देश किसी तीसरे देश को प्रभावित किए बिना समान रूप से आगे साथ साथ बढ़ सकते हैं। इससे क्षेत्रीय स्थिरता और विकास को बढ़ावा मिलेगा। चीनी विदेश मंत्री ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि भारत और पाकिस्तान एक दूसरे से हो रहे टकराव को बातचीत के जरिए सुलझाएंगे और इसमें चीन रचनात्मक भूमिका निभाने के लिए तैयार है। आपको बता दें कि 5 अगस्त को जब भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा हटाने का ऐलान किया था, तभी से पाकिस्तान बुरी तरह बौखलाया हुआ है। पाकिस्तान ने इस मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने की पूरी कोशिश की, लेकिन तमाम मंचों पर उसको मुंह की ही खानी पड़ी। यही नहीं, पाकिस्तान के पीएम इमरान खान जिनपिंग की भारत यात्रा से पहले ही चीन पहुंच गए थे, जहां उन्होंने चीन के सामने एक बार फिर से कश्मीर का मुद्दा उठाने की कोशिश की थी, लेकिन पीएम मोदी से मुलाकात के बाद सब कुछ एकदम पलट गया। पूरी बातचीत में जिनपिंग ने एक बार भी कश्मीर का नाम नहीं लिया और अब तो चीन अपने स्टैंड से ही बदल गया है। पहले जहां चीन हमेशा पाकिस्तान की दुहाई देता था, वहीं अब वो एक रचनात्मक भूमिका के लिए खुद को तैयार कर चुका है। भारत की मजबूत रणनीति के आगे चीन भी घूम गया। इसे पीएम मोदी की मुलाकात का असर ही कहेंगे कि अब चीन टकराव की जगह भारत और पाकिस्तान के बीच रचनात्मक भूमिका निभाने के लिए खुद को तैयार कर चुका है। वणक्कम। वणक्कम। एमके एमके वरुग वरुग विरुंदे विरुंदे मदिरपुर कुरिया मदिरपुर कुरिया विरुंदनराय बखैर किराई यानी मैं दिस मींस ये दुनिया की प्राचीन भाषा आई एम टॉकिंग इन मैं तमिल में कह रहा था कि मैं आप सभी का गर्मजोशी से स्वागत करता हूं। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना की 70वीं वर्षगांठ पर आपको और चाइना के सभी नागरिकों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। तमिलनाडु राज्य और ऐतिहासिक शहर चेन्नई सदियों से भारत और चीन के बीच हमारे सांस्कृतिक और व्यापारिक आदान प्रदान का साक्षी है। मुझे खुशी है इस सांस्कृतिक धरोहर के कुछ सर्वोत्कृष्ट उदाहरणों के आपको परिचित कराने का गौरव हमें मिला। एक्सलेंसी, पिछले 2000 सालों के अधिकांश कालखंड भारत और चीन दुनिया की प्रमुख आर्थिक शक्तियां रही है। अब इस शताब्दी में हम फिर से साथ साथ उस स्थिति को प्राप्त कर रहे हैं। एक्सलेंसी, पिछले वर्ष वुहान में हमारी इनफॉर्मल समिट से हमारे संबंधों में इंक्रीज स्टेबिलिटी और फ्रेश मोमेंटम आया है। दोनों पक्षों के बीच स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन बढ़ा है। हमने तय किया था कि हम मतभेद को प्रूडेंटली मैनेज करेंगे और डिस्प्यूट नहीं बनने देंगे। एक दूसरे के कंसर्न के बारे में
सेंसिटिव रहेंगे और हमारे संबंध विश्व में शांति और स्थिरता के कारक होंगे। एक्सलेंसी, ये सभी हमारी बड़ी उपलब्धियां हैं, इनसे हमें भविष्य में और अधिक प्रयास करने की प्रेरणा मिलती है। चेन्नई समिट में अब तक हमारे बीच द्विपक्षीय और वैश्विक मुद्दों पर महत्वपूर्ण विचार विनिमय हुआ है। वुहान स्पिरिट ने हमारे संबंधों को एक नया मोमेंटम और ट्रस्ट दिया। आज के हमारे चेन्नई कनेक्ट से दोनों देशों के बीच सहयोग का एक नया दौर शुरू होगा। एक्सलेंसी, अब मैं आपको प्रारंभिक स्टेटमेंट के लिए आमंत्रित करता हूं। Your Excellency, Prime Minister, it is my great pleasure to come to this beautiful city of Chennai at your invitation and have this second informal summit with Your Excellency. I want to especially thank you for the fact that since the moment that we arrived, we have been immersing or overwhelmed by this kind of gracious hospitality and thoughtful arrangements that the Indian side has made. Me and my colleagues have felt that very strongly. And we are really overwhelmed by your hospitality, and we feel that Mr. Prime Minister, the Indian government, and the state of Tamil Nadu, and the people here cherish friendly sentiment toward the Chinese people, the Chinese government, and we really feel your sincere welcome to us during this visit. So this will be a very memorable experience for me, for us, and will have a far-reaching impact for the Chinese people. I saw that the Chinese media has published a lot of articles about China-India relations, about the friendly relations between our two countries. Mr. Prime Minister, last year we held the first informal summit. Actually, this initiative was put forward by you, Mr. Prime Minister, and I agree that it is a good idea. Indeed, the Wuhan summit ushered China-India relations into a new stage of healthy and steady development. For the past 1 year or so, the informal summit continues to produce visible progress. We have deeper strategic communication, more effective practical cooperation, more diverse people-to-people and cultural exchanges, and we have a closer cooperation on multilateral occasions. What has happened has proved that we have made the right decision to have this kind of informal summit, and we can well continue with this form of meeting. China and India are each other's important neighbor, and we are the only two major countries, each with over 1 billion people. To maintain and grow China-India relations is a firm policy of China. Yesterday and earlier today, Mr. Prime Minister, as you said, you and I have engaged in candid discussions as friends in this heart-to-heart discussions on bilateral relations. We have had really in-depth engagement and good discussions. I am happy and I really enjoy our conversations so far. So I look forward to further discussions in an in-depth manner with you in the full delegation discussion and make further plans for bilateral relations. I may follow up on the proposals and issues discussed yesterday
I will make some responses. I'm sure that our discussion today will further bring forward our relations. Thank you.